हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद ए न्यू वैल्यूएबल वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपनी कॉलेज की ईमेल आईडी का यूज़ करके 3 लाख तक के रिसोर्सेज को बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हैं। ये सब मैं वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो आप जानते होंगे कि आपको कॉलेज से .ac या .edu में एंड होने वाली एक ईमेल आईडी मिली होगी। नॉर्मली हम जो ईमेल आईडी यूज़ करते हैं उसमें gmail.com आता है लास्ट में, लेकिन जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी हमें प्रोवाइड करती है उसमें .ac या .edu आता है। तो इस ईमेल आईडी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताए होंगे, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर आपके पास edu या फिर .ac वाली ईमेल आईडी नहीं है तो भी आप किस तरीके से इन बेनिफिट्स को उठा सकते हो, ये भी मैं वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, लेकिन वो चीज़ मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल फ्री में मिलती रहे। आमतौर पर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर सर्च करने पर ही मिलती है, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बड़ी ही ईजिली ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा है गूगल ड्राइव के अंदर स्टोरेज का। अगर आप अपनी नॉर्मल जीमेल आईडी से गूगल ड्राइव के अंदर लॉगिन करते हो तो आपको ओनली 5 GB की स्टोरेज मिलती है, जो कि काफ़ी कम है। लेकिन अगर आप अपनी कॉलेज की ईमेल आईडी से उसमें लॉगिन करते हो जो कि .ac या .edu वाली होती है, तो उसमें आपको 5 TB की स्टोरेज मिलती है। 5 TB मीन्स 5000 GB से भी ज़्यादा, जो कि आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा स्टोरेज है। और अगर आपने गूगल ड्राइव की स्टोरेज को यूज़ करा तो आपको किस तरीके की स्टोरेज की कमी नहीं होने वाली है, इतना तो पक्का है। ये स्टोरेज आपको कब तक प्रोवाइड करी जाएगी? ये आपको जब तक प्रोवाइड करी जाएगी जब तक आपके पास अपनी कॉलेज की ईमेल आईडी जब तक रहती है हमारे पास, जब तक कि हम पढ़ रहे होते हैं, उसके बाद वो आईडी हमारे काम की नहीं रहती है। सेकंड नंबर का जो फायदा है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। आप अपनी कॉलेज ईमेल आईडी के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट के 365 ऑफिस को बिल्कुल फ्री में पा सकते हो। जी हाँ, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आपको अपनी ईमेल आईडी को पेस्ट करना है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो वहां पर, और अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी वैलिड हुई जो आपकी कॉलेज ईमेल आईडी से है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस को बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये था सेकेंड नंबर का बेनिफिट जो कि मैंने आपको बता दिया है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी लिंक्स मिल जाएंगी। थर्ड नंबर का जो फायदा है वो भी है माइक्रोसॉफ्ट के वन ड्राइव का। माइक्रोसॉफ्ट के वन ड्राइव पे भी आपको स्टोरेज का फायदा मिलता है अपनी कॉलेज ईमेल आईडी के थ्रू। सेम चीज़ आप स्क्रीन पे देख सकते हो आपको कितना स्टोरेज का फायदा मिल रहा है वन ड्राइव के अंदर। तो यहाँ पर भी आप अपनी कॉलेज ईमेल आईडी के थ्रू वन ड्राइव का बेनिफिट ले सकते हो। फोर्थ नंबर का जो बेनिफिट है वो है गिटहब का स्टूडेंट डेवलपर पैक। इसके नाम पर मत जाइए, ये ओनली CS और IT के लिए नहीं है। अगर आप किसी भी ब्रांच के अंदर हैं, कॉलेज के किसी भी टाइप की स्ट्रीम के अंदर है, तो ये जो डेवलपर पैक है गिटहब का, वो आपको काफ़ी बेनिफिट दे सकता है। इसके अंदर इतने बेनिफिट्स हैं 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा कि अगर आप खरीदने जाएं तो आपको पे करने होंगे, लेकिन गिटहब के स्टूडेंट डेवलपर पैक के थ्रू आप बिल्कुल फ्री में पा सकते हो। ठीक है, लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलने के मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसके अंदर फ़ायदे हैं। ठीक है, तो इतना आसान नहीं है कि वीडियो के लिंक पर क्लिक करा और आपको ये पैक मिल जाएगा। इसका पूरा प्रोसीजर है मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। तो गिटहब के स्टूडेंट डेवलपर पैक में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, चलिए अब देख लेते हैं। गिटहब के स्टूडेंट डेवलपर पैक को अगर आपने एक बार एक्टिवेट करवा लिया तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको कितने सारे फायदे हैं। आप स्क्रॉल करके नीचे देख सकते हो, कुछ मेन मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर कैनवा, जो कि बहुत फेमस है डिजाइनर्स के लिए, ठीक है, जो कि ग्राफिक डिजाइनर के लिए काफ़ी फेमस है और भी काफ़ी चीज़ों के लिए कैनवा तो बहुत ही पॉपुलर चीज़ है। तो यहाँ पर इसका आपको प्रो वर्जन 1 साल के लिए फ्री मिलता है अगर आप गिटहब के स्टूडेंट डेवलपर पैक से इसे लिंक करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं नेमचीप नाम से यहाँ पर एक वेबसाइट है, जो कि आपको वेबसाइट के लिए अगर आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आपको डोमेन SSL सर्टिफिकेट 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर और भी स्क्रॉल करके देख सकते हो कितने सारे फायदे आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट Azure है यहाँ पर, आप ये देख सकते हो, ये आपको Azure क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर GitHub का प्रो वर्जन आपको मिल रहा है। यहाँ पर बेनिफिट में आप चेक कर सकते हो कि बेनिफिट की वैलिडिटी कितने टाइम की है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर गिटहब की जो प्रो वर्जन की वैलिडिटी है वो जब तक है जब तक कि आप एक स्टूडेंट हो। ठीक है, और यहाँ पर आप नीचे बेनिफिट देख सकते हो, यहाँ पर आप यूनिटी देख सकते हो जो कि गेम्स के अंदर काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको यूनिटी का आपको क्या प्लान मिल रहा है। यहाँ पर स्टूडेंट प्लान मिल रहा है आपको यूनिटी का, आपको जब तक आपको ईमेल आईडी जब तक आपको मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद में आप और नीचे करके देख सकते हो कितने सारे आपको यहाँ पे फ़ायदे हैं। अगर आप टेक्निकल फील्ड में नहीं भी हो, मतलब टेक्निकल फील्ड से आप कॉलेज के अंदर डिग्री नहीं भी कर रहे हो, तो भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, बिकॉज आप नॉन डिग्री टेक स्किल सीख सकते हो जिससे आप फ्रीलांसिंग करके भी कमा सकते हो। तो अगर आप इन स्किल्स को सीखने जाओगे इन प्रीमियम वेबसाइट्स पे तो आपको काफ़ी पे करना पड़ेगा, लेकिन आपको गिटहब का ये स्टूडेंट डेवलपर पैक बिल्कुल फ्री में मिल सकता है आपकी कॉलेज ईमेल आईडी से। ठीक है, तो अब मैंने आपको यहाँ पे इतने सारे फायदे दिखा दिए, आप स्क्रॉल करके देख सकते हो, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे इतने सारे फायदे हैं यहाँ पर। और ऐसा नहीं कि आप इनमें से एक फ़ायदा ले सकते हो, आप इनमें से बहुत सारे फायदे ले सकते हो, सभी ले सकते हो, कोई लिमिट नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको इस पैक के लिए अप्लाई करना है।
तो यहाँ पर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस पेज की, तो यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर आपको गेट स्टूडेंट बेनिफिट पे क्लिक करना है आपके, देख सकते हो ठीक है। गेट स्टूडेंट बेनिफिट पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट करनी होगी, ठीक है, एक रिक्वेस्ट करनी होगी। यहाँ पर आपको आना है पेज के नीचे और अपनी ईमेल आईडी डाल देना है जो कि कॉलेज की .ac या .edu वाली जो होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा ऑटोमेटिकली, अगर नहीं आता है कॉलेज का नाम तो आपको यहाँ पर उसे खुद फिल करना है, ठीक है। इसके बाद में जो क्वेश्चन है ये है कि हाउ डू यू प्लान टू यूज़ गिटहब, तो यहाँ पर आपको गिटहब को किस तरीके से यूज़ करना है, आप किस तरीके से प्लान करोगे, तो यहाँ पर आपको सिंपली लिख देना है कि आई वांट टू यूज़ गिटहब टू एक्सप्लोर न्यू स्किल्स, तो ये सब आपको दो लाइंस के अंदर लिख देना है जो आप लिखना चाहते हो, ठीक है। ज़्यादा इतना बड़ा पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, फिर आपको वेट करना है, और ये आपको याद रखना है कि आपको गिटहब का जो अकाउंट बनाना है वो अपने कॉलेज की ईमेल आईडी से बनाना है, ठीक है। याद रखना आपको इस वीडियो में जितने भी सारे प्रोसेस बताए हैं उनमें आपको अपने कॉलेज की ईमेल आईडी का यूज़ करना है जो कि .ac.edu वाली होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ टाइम बाद, आपको एक घंटे बाद, दो घंटे बाद ऐसा आपको इस पेज पर वापस आना है, इस पेज को सेव कर लीजिए, बुकमार्क कर लीजिए, तो यहाँ पर आपको आएगा अप्रूव्ड योर रिक्वेस्ट, अगर आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है, ठीक है। मैंने अपने .ac वाली आईडी से करा था, अप्रूव हो गया था, ठीक है। .edu वाली से भी हो जाएगा, दोनों से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर अप्रूव हो गया, अप्रूव होने के बाद में आप देख सकते हो इतने सारे फायदे आप उठा सकते हो, ठीक है। मैं आपका एग्जांपल दिखा देता हूँ, मैंने कैनवा का प्रोवर्जन के लिए इसमें अवेल किया है, तो ये ऐसा लिखा आता है जब आप लिंक करते हो, जैसे आपको यहाँ पर इसे करना है अवेल, तो आप यहाँ पर आइए और आपको इसे यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। इसके बाद में हम आ जाते हैं कि आपको ये फ़ायदा मिलने लग जाता है कि वेलकम यू आर नाउ गोट ए फ्री ईयर ऑफ कैनवा प्रो, तो आप देख सकते हो कि हमें कैनवा प्रो मिल चुका है, और भी सभी तरीके के फ़ायदे आप उठा सकते हो गिटहब के स्टूडेंट प्लान में। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास .edu या फिर .ac वाली आईडी नहीं है तो क्या करें, तो किस तरीके से इन बेनिफिट्स को आप उठा सकते हो, तो आपके पास दो रास्ते हैं। पहला तो ये कि अगर आपका कोई दोस्त है जो जिसके पास यूनिवर्सिटी की आईडी हो, मतलब किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर हो, उसके पास .ac या .edu वाली आईडी हो, तो उससे आप यूज़ कर सकते हो, तो पहला रास्ता तो ये है, ठीक है। जो दूसरा रास्ता जो सबसे लास्ट में बचता है वो ये है कि आपको आईडी बाय करनी चाहिए, तो ये आईडी .edu वाली आईडी बाय करने में ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि उसके ज़्यादा बेनिफिट्स है AC से, ठीक है। तो आप कहाँ से बाय कर सकते हैं, आप fiverr.com से .edu वाली आईडी बाय कर सकते हो, वहाँ पे आपको इंडिविजुअल लोग आईडी भेजते हुए मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको पूरा प्रोसीजर नहीं बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको फाइवर से वहाँ से आईडी बाय करनी है, इतना आपको खुद यूट्यूब पर सर्च कर लेना है या फिर आपको fiverr.com पर जाके सर्च कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैं किसकी गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि आपको आईडी कैसी प्रोवाइड करने वाला है, बस मैंने आपको अल्टरनेटिव बताया है कि आप इस तरीके से fiverr.com से जाकर बाय कर सकते हो, वहाँ पर मिल जाती है आपको। जो फिफ्थ नंबर की बेनिफिट्स की कैटेगरी है, इसके अंदर आपको फ्री के अंदर भी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आपको अगर कुछ डिस्काउंट में खरीदना है, कुछ प्रोडक्ट्स आपको डिस्काउंट में खरीदने हैं, तो यहाँ पर आपको अपनी कॉलेज ईमेल आईडी के थ्रू काफ़ी डिस्काउंट मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एप्पल के आईपैड या फिर मैकबुक खरीदनी है या फिर HP के प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, लैपटॉप की एक्सेसरीज खरीदनी है, HP की, सैमसंग की, तो इन सब चीज़ों के अगर आप अपनी कॉलेज ईमेल आईडी के थ्रू खरीदते हो तो आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हो वेबसाइट के आर्टिकल्स हैं, दो वेबसाइट के आर्टिकल हैं, इनको आपको देख लेना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो किन किन के प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल है। बाकी मैंने आपको गिटहब का स्टूडेंट डेवलपर पैक बता ही दिया है कि उसके अंदर कितने फ़ायदे हैं, और वो तो बिल्कुल फ्री है, तो उस स्टूडेंट डेवलपर पैक के अंदर तो आपको ज़रूर एनरोल करना है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कहीं पर भी वीडियो के अंदर जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनको एनरोल करने में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी का यूज़र नेम, और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पर आप मुझे DM कर सकते हो। वीडियो में आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको क्या क्या डाउट रह गए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने कॉलेज के एटलीस्ट 5 दोस्तों के साथ में, तो शेयर करिए ही ताकि आप अकेले इन चीज़ों का फ़ायदा ना उठाएं, अपने दोस्तों को भी इन बेनिफिट्स के बारे में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको ऐसी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर सर्च करने पर भी नहीं मिलती है ईजिली, तो आप अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको अपने कॉलेज के अंदर ऐसी ही वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। मैं मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।